वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. आज की क्लासेस में हम एक न्यू और फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग आपके एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव से हर एक यूनिट इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि इस यूनिट का कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल आएगा. अगर लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में लीनियर प्रोग्रामिंग के ही क्वेश्चंस होंगे. मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो उसके ऑप्शन में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे. मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का है तो उसके ऑप्शन में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के ही मिलेंगे. फाइव यूनिट्स हैं, फाइव क्वेश्चन होंगे. ईच क्वेश्चन के ऑप्शन में वही यूनिट का क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन सिर्फ सिंगल एक नहीं होगा, उसमें चार से पाँच या तीन क्वेश्चन मिनिमम अटैच होंगे. तो आप मान के चले कि उन्होंने एवरेज अगर 3 to 4 क्वेश्चन भी अटैच है तो 20 क्वेश्चंस के आसपास आपका हो जाता है. तो ये आपके पास में एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको बड़े सीरियसली इसको पढ़ना होगा. लीनियर प्रोग्रामिंग में बच्चे फंसते हैं एग्जाम में. मैथमेटिक्स और फाइनेंस बड़ा डिटेल था तो उसको मैंने इसलिए पहले प्रायोरिटी लेवल पे लिया. मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स इजी है, कैलकुलस भी इजी है. अगर आप बोलेंगे तो इसमें ज़्यादा फोकस करने की नीड कहाँ है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस करने की नीड है. आपके पास में बच्चे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैं आपके सिलेबस की बात करता हूँ तो ये आपके पास में लीनियर प्रोग्रामिंग में हम इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. ठीक है, तो आज की क्लासेस में मैं लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आपको आप फॉर्मुलेशन करना सिखाऊंगा कि फॉर्मुलेशन आप जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप किस तरीके से फॉर्मुलेशन में आप लेकर आएंगे, किस तरीके से उसको इक्वेशन में ट्रांसफ़र करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, उसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मुलेशन. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन पर देखो आप. अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ मॉडल M1 एंड M2. हाँ जी बच्चे, आ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ मॉडल M1 एंड M2. तो जो मॉडल्स हमारे पास में एक M1 है और एक M2 है. ईच मॉडल ऑफ द टाइप M1 रिक्वायर्स 4 hours ऑफ ग्राइंडिंग एंड 2 hours ऑफ पॉलिशिंग. तो बच्चे आपके पास में बेसिकली दो मॉडल्स हैं. अगर मैं मॉडल की बात करता हूँ, जनरली अगर आप देखें मॉडल्स की बात करते हैं तो आपके पास में दो मॉडल्स हैं. एक आपके पास में मॉडल है आपका आ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स. एक मॉडल से इसका नाम M1 दिया हुआ है और एक मॉडल से जिसका नाम बच्चे M2 दिया हुआ है. दो मॉडल्स है. Each model of type M1 require M1 की बताया M1 require 4 hours of grinding. तो M1 को जो grinding में फोर आवर की requirement होता है इसको grinding करने में और polishing में 2 hours of polishing. Polishing में बच्चे अगर आप देखते हैं तो टू आवर की रिक्वायरमेंट है पॉलिशिंग में. वेयर एज ईच मॉडल ऑफ द टाइप M2 के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप M2 मॉडल्स बना रहे हैं तो रिक्वायर 2 hours ऑफ ग्राइंडिंग. इसके लिए ग्राइंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है, पहले आप समझिए क्वेश्चन को क्या है. ग्राइंडिंग की 2 hours की रिक्वायरमेंट है इसके लिए एंड 5 hours ऑफ पॉलिशिंग. पॉलिशिंग की बात करते हैं तो 5 hours की रिक्वायरमेंट है. द मैन्युफैक्चरर हैज़ 2 grinding and 3 polisher. जो उस मैन्युफैक्चरर जो है हमारे पास में बेसिकली यहाँ पर हम लिखते हैं बेस्ट रहेगा मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर इस पे जो हमारे पास में क्या है बेसिकली 2 grinding and 3 polisher. जो ग्राइंडिंग करने की मशीन्स है 2 grinders है एंड 3 polisher है.
ये क्या, ये ग्राइंडिंग एंड पॉलिसी, टाइम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं मॉडल वन के लिए क्या ग्राइंडिंग के लिए टाइम रिक्वायरमेंट है, पॉलिशिंग के लिए क्या टाइम रिक्वायरमेंट है, मॉडल टू के लिए ग्राइंडिंग के लिए क्या टाइम रिक्वायरमेंट है एंड पॉलिशिंग के लिए क्या टाइम रिक्वायरमेंट है, और ये मैन्युफैक्चरर के पास में कितने ग्राइंडर्स हैं जिससे वो ग्राइंडिंग करता है और कितने पॉलिशर्स हैं जिससे वो पॉलिशिंग का काम करता है। तो उसके पास में टोटल 2 ग्राइंडर्स है और 3 पॉलिशिंग मशीन है। ईच ग्राइंडर हैव 40 आवर्स अ वीक, एक ग्राइंडर जो है ना 40 आवर्स परफॉर्म कर सकता है। तो 2 ग्राइंडर है तो ग्राइंडर से टोटल कितने आवर्स परफॉर्मेंस ले सकता है, 80 आवर्स का परफॉर्मेंस ले सकता है। और ईच पॉलिशर आपका कितना वर्क करता है, एंड ईच पॉलिशर वर्क द 60 आवर, एक पॉलिशर आपका 60 आवर के लिए वर्क करता है आपके पास में। 3 पॉलिशर है तो पॉलिशर से कितने आवर का वर्क ले सकते हैं आप, 180 आवर का आप टोटल वर्क ले सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ M1 मॉडल इज 3 रुपीज, आपके पास में है कि प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं, प्रॉफिट ऑफ M1 3 रुपीज एंड मॉडल M2 की अगर हम बात करते हैं तो M2 की बात क्या है, 4 रुपीज। वट एवर इज द प्रोड्यूस इन अ वीक इज सोल्ड इन द मार्केट, हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर अलोकेट हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू द 2 टाइप्स ऑफ मॉडल सो दैट द मे मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट अ वीक। तो बच्चे ये क्वेश्चन कह रहा है कि अलोकेट हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो वो अपने 2 ग्राइंडर और 3 पॉलिशर को किस तरीके से वो अलोकेट करे अपने रिसोर्सेज को, अपने इनपुट्स को। वट एवर ए प्रोड्यूस इन अ वीक इज सोल्ड द मार्केट, हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर अलोकेट हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी द 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स सो दैट द मे मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ वीक। और वो चाहता है कि उसको एक वीक में मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये मैक्सिमाइजेशन का केस है, आज की क्लास में मैक्सिमाइजेशन का केस ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए टाइटल को चेंज करवा देंगे, वो बता के आया था फिर भी उन्होंने गलती कर दी है, बट कोई बात नहीं, अब सामने देखेंगे। अब बच्चे यहां पर आप जरा फोकस करें, अब इसको आप इक्वेशन में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, इसको आप एक पहला आपको सवाल समझ में आया क्या है, पहले क्वेश्चन में पूरा समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा वहां से कट रहा है ना, क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बच्चे आज के क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फॉर्मुलेशन टॉपिक है, इसका मतलब यह है कि वर्ड प्रॉब्लम को हमें इक्वेशन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम में है, उसमें क्या है, उसमें कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो 2 टाइप के मॉडल्स को M1 और M2 प्रोड्यूस कर रहा है। अगर M1 मॉडल प्रोड्यूस करता है तो उस मॉडल को प्रोड्यूस करने में उसमें ग्राइंडिंग भी लगती है और पॉलिशिंग भी लगती है। तो M1 मॉडल को प्रोड्यूस करने में जो ग्राइंडिंग है वो 4 घंटे लगते हैं उसको, और उसके बाद पॉलिशिंग करने में उस पर 2 घंटे लग जाते हैं। इस तरीके से टाइम की रिक्वायरमेंट बता रखा है M1 मॉडल को ग्राइंडिंग की और पॉलिशिंग की। मैं सिर्फ एक ही मॉडल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं M2 मॉडल भी प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो जो सेकंड मॉडल है उसमें ग्राइंडिंग जो है वो 2 आवर्स का रिक्वायरमेंट है, पॉलिशिंग में 5 आवर्स वो ले लेता है। और ऐसा मेरे पास में मेरे फॉर्म में टोटल 2 ग्राइंडर्स अवेलेबल है और पॉलिशर्स 3 अवेलेबल है। और एक बात क्लियर कर रखा है कि ग्राइंडर जो है 40 आवर्स, एक ग्राइंडर 40 आवर्स इन अ वीक परफॉर्म कर सकता है। तो मैं ग्राइंडर से टोटल 2 ग्राइंडर से तो मैं 80 आवर्स का परफॉर्मेंस ले सकता हूं, और पॉलिशर एक 60 आवर परफॉर्म कर सकता है, 3 पॉलिशर है उससे मैं 180 आवर्स का परफॉर्मेंस ले सकता हूं। और इसको मैं किस तरीके से मॉडल 1 और मॉडल 2 पे मैं अलोकेट करूं जिससे कि मेरा प्रॉफिट इन अ वीक मैक्सिमम हो। और कह रहा है कि एक M1 मॉडल्स पे मैं 3 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और एक M2 मॉडल्स पे मुझे 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। क्लियर है बच्चे? ये पहले आपको समझ में आया या नहीं आया बताएं जरा, इसको देख लीजिए पहले, ये आपको समझ में आया? देखो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इस केस में, मैं पहले टेबल बना देता हूँ। टेबल में हम लेते हैं यहाँ पे मशीन,
मॉडल M1, मॉडल M2, लिमिट ऑफ मशीन। लिमिट ऑफ मशीन, ठीक है बच्चे। मशीन में सबसे पहले मेरे पास में है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग में मॉडल वन को कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है? 4 आवर, और पॉलिशिंग में 2 आवर। ग्राइंडिंग में 4 आवर और एक पॉलिशिंग की भी मशीन है, पॉलिशिंग में 2 आवर की रिक्वायरमेंट है मॉडल वन को। मॉडल टू को ग्राइंडिंग में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है? ग्राइंडिंग में 2 आवर की रिक्वायरमेंट है एंड पॉलिशिंग में 5 आवर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक हमारा हो जाएगा बच्चे प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 और 4 रुपए है, 4 और 2 था, 2 और 5 था, ठीक है। अब प्रॉफिट हमारा 3 और 4 रुपए, तो यहां से प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा? 3 रुपीस। यहां से प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा? 4 रुपीस। और लिमिट ऑफ मशीनरी, ग्राइंडिंग मशीन कितने मेरे पास में? 2 मशीन अवेलेबल है और ईच 40 आवर परफॉर्म कर सकता है इन अ वीक, तो मैं 80 आवर इससे परफॉर्मेंस ले सकता हूँ। एंड ये 3 पॉलिशिंग मशीन है और ईच 60 आवर परफॉर्म कर सकता है इन अ वीक, तो मैं यहाँ पर 180 आवर परफॉर्मेंस इससे मैं ले सकता हूँ, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आप सबसे पहले अपना एक कुछ इस टाइप का अपना एक टेबल आप बना सकते हैं एग्जाम में, जिसमें कि दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, तो ये बच्चे अपना एक पहले टेबल बना लें, इससे समझना आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब कुछ चीजें हैं उसको लिखो, क्योंकि बच्चे फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन आएगा, फुल मार्क्स आपको फॉर्मुलेशन में मिलेगा, तो एक एक स्टेप्स को फॉलो करना है ना आपको। 3-4 इक्वेशन फटाफट बना के चले जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आप लेंगे डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होता है कि पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि कितने यूनिट आप मॉडल वन प्रोड्यूस करेंगे और कितने नंबर ऑफ यूनिट आप मॉडल टू प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको कितने कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए M1 एंड M2 का, तो ये आपको सबसे पहले डिसीजन लेना है ना, जिसको हम डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। तो आप कर सकते हो लेट X1, लेट X1 एंड X2 is the number of units of model M1 and model M2, clear है बच्चे। और एक आपका होता है objective variable, पहले ये आपको समझ में आया, क्लियर है बच्चे, ये समझ में आपको आ गया कि डिसीजन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। डिसीजन वेरिएबल का मतलब आपके पास में ये होता है कि आपको दोनों का कितने कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है, क्लियर है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आपको प्रॉफिट ऑफ ईच मॉडल गिवन है, प्रॉफिट ऑफ ईच मॉडल्स आर गिवन, आपको गिवन है ना, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज, अब यहां पे हम क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे यहां पे, जेड से, जेड इक्वल्स टू। अब आपके पास में एक्स वन, एम वन कितना प्रोड्यूस किया आपने, एक्स वन, और ईच एम वन कितना प्रॉफिट दे रहा है, थ्री वन। तो जितने नंबर ऑफ एक्स वन आप प्रोड्यूस करोगे और ईच थ्री रुपीज का प्रॉफिट देगा, तो टोटल एम वन से कितना प्रॉफिट आया ये। एंड आपके पास में आपका मॉडल टू कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, एक्स टू, मॉडल टू प्रोड्यूस कर रहे हो, नंबर ऑफ मॉडल टू इज एक्स टू, एंड ईच मॉडल एक्स टू प्रोड्यूस आपको प्रॉफिट दे रहा है फोर रुपीज। तो यहां से प्रॉफिट आपका ये आ गया, तो दिस वन, तो जेड इक्वल्स टू थ्री एक्स वन प्लस फोर एक्स टू, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, यहां से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। एंड थर्ड वन, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या है आपका, कॉन्स्टेंट्स मीन्स कि आपको यहां से अब अपने कुछ इक्वेशंस आपको बनाना है कि आपके पास में M1 कितना लेता है, M1 is require, M1 is require 2 hour, 4 hour, M1 is require 4 hour grinding and 2 hour polishing. M1 is required 4 hour grinding and 2 hour polishing. Clear hai bachche? And maximum, M1 is required 4 hour grinding and 2 is required 2 hour grinding and total limit of grinding is हैंड रेज बंद कर रखा है तब भी पता नहीं कहां से घंटी बजा रहे हो। टोटल लिमिट ऑफ ग्राइंडिंग इज 2 इंटू 40 इक्वल्स टू 80 आवर। तो ग्राइंडिंग में मैं 80 घंटे दे सकता हूँ, मेरी मशीन की कैपेसिटी 80 घंटे की है, दो मशीन है मेरे पास में। तो यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि X1 मेरे पास में, M1 कितना है, M1 मेरे पास में नंबर ऑफ M1 मॉडल्स कितना है आपको पता ही है, नंबर ऑफ M1 मॉडल्स इज एक्स वन, या यूनिट ऑफ एम वन मॉडल, ये ज़्यादा बेस्ट है, यूनिट ऑफ, एंड यूनिट ऑफ एम टू मॉडल इज एक्स टू। तो एक्स वन, एम वन मेरे पास में एक्स वन है, क्लियर है बच्चे, एम वन कितना मेरे पास में
एक्स वन नंबर है और ईच एम वन कंज्यूम कितना आवर कर रहा है, 4 आवर कर रहा है. तो टोटल एक्स वन एम वन मॉडल, चूंकि नंबर्स में एक्स वन है और ईच एम वन मॉडल 4 आवर कंज्यूम कर रहा है, तो नंबर ऑफ एम वन मॉडल कितना आवर रिक्वायर्ड, कितना आवर कंज्यूम करेगा दिस वन. और अगर मैं ग्राइंडिंग की बात कर रहा हूं और मेरे पास है मॉडल टू, यूनिट ऑफ मॉडल टू क्या है मेरे पास में, यूनिट ऑफ मॉडल टू क्या है मेरे पास में, एक्स टू मॉडल्स है मेरे पास में, यूनिट ऑफ मॉडल टू कितने हैं मेरे पास में, एक्स टू है. और ईच मॉडल टू, ईच यूनिट ऑफ मॉडल टू कितने आवर्स ग्राइंडिंग में कंज्यूम कर रहा है, 2 आवर्स कंज्यूम कर रहा है. तो टोटल ये कितना टाइम कंज्यूम कर लेगा ग्राइंडिंग में, एम टू और एम वन टोटल कितना ग्राइंडिंग में कंज्यूम कर लेगा, और दोनों मिला करके हमारे 80 आवर्स ही कंज्यूम कर सकते हैं या उससे कम कंज्यूम करेंगे. क्लियर है बच्चे? तो मैंने लिख दिया था टोटल लिमिट ऑफ द ग्राइंडिंग 80 आवर कर सकते हैं या उससे कम ही करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? एंड सिमिलर अगर आप बात करेंगे M1 is required 2 hour polishing. M1 is required 2 and 5. ठीक है. M1 is required 2 hour polishing and M2 is required 5 hour polishing and limit of polishing is आपको पता है कि 3 polishers आपके पास में each 60 hour in a work करेगा तो 180 hours ये इसकी लिमिट है. तो पॉलिशिंग में आप जो है 180 से आप ज़्यादा पॉलिशिंग में आप नहीं ले सकते हो मशीन से काम. तो यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे तो हमारे मेरे पास में M1 मॉडल कितने हैं, X1 है. क्लियर है? और ईच M1 मॉडल कितनी पॉलिशिंग में टाइम कंज्यूम कर रहा है, 2 आवर. तो टोटल M1 मॉडल ने कितना पॉलिशिंग यूज़ कर लिया, कितने आवर पॉलिशिंग के यूज़ कर लिए. और M2 मॉडल मेरे पास में X2 है और ईच M2 मॉडल कितना पॉलिशिंग में टाइम कंज्यूम कर रहा है, 5 आवर. तो टोटल मेरे पास में M1 एंड M2 जो पॉलिशिंग में टाइम कंज्यूम करेंगे 180 आवर कर लेंगे या तो उससे कम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको ये? अब यहाँ पर आपके देखिएगा आपके पास में बेसिकली 3 इक्वेशन हो गए. 3 इक्वेशन कौन सा हो गया, एक आपका 3x1 + x2 = 3x1 + x4 = 2, z = this, और एक आपका हो गया इक्वेशन 4x1 + 2x2 = 80, 4 2. 4x1 + 2x2 = 80 और एक मेरा हो गया 2x1 + 5x2 = 180. एंड आपको पता है x1 and x2 is always greater than and equals to 0. ये क्या हो गया है, ये आपका बेसिकली फॉर्मुलेशन हो गया. अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि अभी आपने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मॉडल 1 x1 फाइंड नहीं किया एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मॉडल 2 x2 आपने फाइंड नहीं किया. ये फाइंड कैसे करोगे, सिंप्लेक्स मेथड से फाइंड करोगे. अब सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, ये तो आपका फॉर्मुलेशन हो गया. अब आपको सिंप्लेक्स मेथड इसे अप्लाई करके आपको इसका आंसर लेना है. सिंप्लेक्स मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है. क्लियर है बच्चे? तो आप सिंप्लेक्स मेथड में जाएंगे, उसको मैं वीडियो को अच्छे से अरेंज कर दूंगा.
तो आप सिंप्लेक्स मेथड की क्लासेस हैं, आप उसको मैं इसके साथ में अटैच करूंगा। पहले सिंप्लेक्स मेथड दे दूंगा, क्योंकि जब सिंप्लेक्स मेथड में आपके माइंड में क्वेश्चन था इक्वेशन कहाँ से, अब इक्वेशन समझाया मैंने, अब इससे जो है आगे के वीडियो में आपको सिंप्लेक्स मेथड, इसके नेक्स्ट जो वीडियो अटैच होगी वो सिंप्लेक्स मेथड की अटैच होगी। अभी फिलहाल आप फॉर्मुलेशन सीखिए, क्लियर है? ये समझ में आपको आ गया फॉर्मुलेशन का किस्सा और कहानी क्या है? क्लियर है बच्चे? तो अब मैं यहाँ पर देखिए सारी कहानी इसकी रची गई थी, यहाँ से क्वेश्चन को समझा, टेबल बनाया, उसके बाद आपको ये करना पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें। हेलो, देखिए क्या सेकंड क्वेश्चन में, सबसे पहले आप एक टेबल बनाएं। टेबल में हम कुछ लिखेंगे, कॉन्स्टेंट्स, और यहां पर हमारे पास है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी लिमिटेशन, ठीक है बच्चे? और टाइम रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायर्ड एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, और एक हो गया आपका प्रॉफिट, ये चीजें हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट ए को कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है? तो आ कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसीड इन द सेम मशीन, एक ही मशीन से बनाए जा रहे हैं। इट टेक 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, इसके लिए 10 मिनट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाना है तो उसमें आपको 10 मिनट लग जाते हैं, और प्रोडक्ट बी का अगर आपको एक सिंगल यूनिट बनाना है तो इसमें आपको 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट्स फॉर द ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। अगर एक यूनिट बनाना है उसमें आपको 2 मिनट लग जाते हैं। एंड द मशीन ऑपरेट फॉर द मैक्सिमम 35 आवर इन अ वीक, और एक मशीन, एक ही मशीन से दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। प्रोडक्ट ए बनने में टाइम आपको 10 मिनट का लग जाता है, प्रोडक्ट बी बनने में वो जल्दी बन जाता है, 2 मिनट बन जाता है, और जो मशीन एक सप्ताह में 35 घंटे ही काम करेगी, तो 35 आवर वर्क करेगी, बट मिनट में, तो मिनट में ट्रांसफर करेंगे तो 35 आवर को मिनट में आप मल्टीप्लाई कर दें तो वन वीक में कितने मिनट आप वर्क परफॉर्म करेंगे? 2100 मिनट ही परफॉर्म करेगी। एंड रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्ट ए रिक्वायर 1 kg, जो रो भी मटेरियल है उसको ए को बनाने में 1 kg लग जाता है, और बी को बनाने में 0.5 kg, 0.5 kg, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट, द सप्लाई ऑफ विच इज द 600 पर kg इन अ वीक। हाँ, पूरे वीक के अंदर जो है 600 से ज्यादा रॉ मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। मार्केट कॉन्स्टेंट ऑन प्रोडक्ट बी इज नॉन टू बी द मिनिमम 800 यूनिट्स ऑफ द एवरी वीक, ये प्रोडक्ट बी का अपना सेपरेट बता रहा है। प्रोडक्ट ए कॉस्ट 5 rupees पर यूनिट एंड सोल्ड, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रोडक्ट ए प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस, जितने में बेच रहे हो माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है बच्चे प्रॉफिट। मैंने 12 rupees में पेन को बेचा और 10 rupees मैंने पेन को खरीद के लाया, तो सेलिंग प्राइस 12 rupees है, 10 rupees मेरा कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना कमाया? 2 rupees। तो यहाँ पर इसी तरीके से प्रोडक्ट ए की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तो प्रोडक्ट ए कॉस्ट इज द 5 rupees पर यूनिट एंड सोल्ड 10 rupees, तो प्रॉफिट आएगा 10 - 5 = 5 rupees। एंड प्रोडक्ट बी कॉस्ट 6 rupees पर यूनिट एंड द मार्केट एट अ यूनिट प्राइस ऑफ द 8 rupees, सोल्ड 8 rupees में, तो यहाँ पर आपके पास में 8 - 6 2 rupees का प्रॉफिट आ रहा है। डिटरमाइन द नंबर यूनिट ऑफ ए एंड बी पर वीक टू द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है आपको। तो सबसे पहले बच्चे
आइए अगले पेज पे। सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन लिख रहे थे? यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल। हमें जो डिसीजन लेना है कि कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है, डिसीजन वेरिएबल लेट एक्स वन एंड एक्स टू इज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। समझ में आया बच्चे? तो आपको नंबर ऑफ आप प्रोडक्ट ए कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एक्स वन यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोडक्ट बी आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, एक्स टू यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना, तो जेड इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना है कि प्रॉफिट ऑफ ईच, प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए इज 5 rupees एंड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट बी इज 2 rupees, then maximum profit is Z, and Z equals to आप प्रोडक्ट ए कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स वन, और ईच पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 5 rupees, तो टोटल इतना प्रॉफिट आपने प्रोडक्ट ए से ले लिया। प्रोडक्ट बी कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स टू, और ईच प्रोडक्ट बी कितना प्रॉफिट दे रहा है 2 rupees, तो प्रोडक्ट बी से आपने इतना प्रॉफिट ले लिया एंड टोटल आपके पास में प्रॉफिट हो गया, एंड जेड इक्वल्स टू 5x1 + 2x2। ये समझ में आया बच्चे? क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है, क्लियर है? एंड लास्ट वन कॉन्स्टेंट constraints required time की requirement की, तो time हमारे पास में basically 10 minute है और एंड product B 2 minute है, तो मेरे पास में X1 मेरे पास product A कितने unit produce करा मैंने, अगर मैं 5 unit produce कर रहा हूँ X1 और each sorry मैं product 1 5 मैं produce कर रहा हूँ, तो ईच प्रोडक्ट वन मेरा 10 मिनट ले रहा है, तो 5 मैंने करा तो 50 मिनट मेरा कंज्यूम हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय टाइम कंज्यूमिंग बाय ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, यही तो आएगा बच्चे? रिक्वायरमेंट टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट ए, यही तो आएगा बच्चे? यही तो समझ में आया आपको? क्या आया? कंस्टेंट रिक्वायर्ड टाइम, तो ये बात समझ में आई बच्चे? टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, यही तो रहेगा आपका कि भैया कितना प्रोडक्ट आपके पास में ए है, तो ए का कितना आपके पास में एक्स वन है, और ईच कितना टाइम कंज्यूम करता है 10 मिनट, तो आपका प्रोडक्ट ए ने इतना टाइम कंज्यूम कर लिया, एंड आपके पास प्रोडक्ट बी कितना यूनिट है एक्स टू, और ईच कितना टाइम 2, तो एक्स टू ने इतना टाइम कंज्यूम कर लिया। टोटल टाइम किसके इक्वल और मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका, 2100 मिनट हो सकता है, यही हो सकता है आपका। तो 10x1 + 2x2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू दिस वन, क्लियर है बच्चे? अब यहां पर एक बात और लिख सकते हो आप,
कंस्टेंट रॉ मटेरियल, नहीं यहीं कर दो बच्चे, समझ जाओगे। कंस्ट्रेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपको पता है कि आपके पास में कितना है, आपके पास में प्रोडक्ट ए क्या है, एक्स वन यूनिट है, और ईच आपका कितना 1 kg आपका ले रहा है, और आपके पास में प्रोडक्ट बी क्या है, नंबर ऑफ यूनिट एक्स टू, और ईच आपका प्रोडक्ट बी 0.5 kg आपका कंज्यूम कर रहा है, और टोटल आपके पास में कितना, आपके पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल है 600 kg अवेलेबल है, तो आप इक्वल्स टू जा सकते हैं और इससे कम रह सकते हैं 600 से। तो आपके पास में क्या हो गया, x1 प्लस 0.5 x2 इज लेस देन 600। तो एक दो तीन इक्वेशन बन चुकी है। एक बात अलग से कह रहा है आपसे कि x2 को मिनिमम जो रिक्वायर्ड है 800 यूनिट एवरी वीक, क्या प्रोडक्ट बी इज नॉन टू बी मिनिमम 800, तो मिनिमम है। क्लियर है, तो x2 कम से कम तो 800 होना चाहिए, तो 800 या उससे ज़्यादा, कम से कम 800 का मतलब क्या हुआ, 800 चलेगा और उससे ज़्यादा चलेगा, तो ये x2 हो गया, और एक आपके पास में हो गया x1 कॉमा एंड x2 एंड ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास में बच्चे चार इक्वेशंस आपको समझ में आ गए, फोर इक्वेशंस कौन कौन सी रही आपकी, एक तो आपके पास में z दिस वन, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सबको इकट्ठा एक साथ आप लिख देना, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो मैं लिख देता हूँ, चलिए हमारे पास पेज है, सब कुछ है, तो एक ही पेज पे कर देते हैं। देखिए क्या है मेरे पास में, z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 2x2 एंड 10x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2000 एंड x1 प्लस 0.5x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 600 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 800 एंड x1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 0। तो आज हमने बच्चे आज की क्लास में कॉन्स्टेंट का मीनिंग बच्चे ये है कि आपको इक्वेशन डेवलप करना है, क्लियर है, दो चीजों को लेकर के इक्वेशंस को डेवलप करना। तो कॉन्स्टेंट हम रॉ मटेरियल का अलग बना रहे हैं, कॉन्स्टेंट हम टाइम रिक्वायरमेंट का अलग बना रहे हैं। तो बच्चे यहां पर आपको इक्वेशन, अब इसके, अब इन समीकरण को लेकर के कैसे मैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट ए फाइंड आउट कर सकता हूं और कैसे मैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट बी फाइंड आउट कर सकता हूं जिससे कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, इसके लिए आपको सिंप्लेक्स मेथड देखना होगा। तो मैं इसके बाद सबसे पहले आपको कल मिनिमाइजेशन का केस एक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर मैं आपको सिंप्लेक्स मेथड आपके कंटेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है वो मैं आपको अटैच कर दूंगा उसके साथ में। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपके पास में एक सिंप्लेक्स मेथड भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, तो जल्दी से हम लीनियर प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे। क्लियर है बच्चे,